डिस्कस कर लेंगे। तब तक खुदा हाफिज़। Dear students, good morning. So today we are discussing the Environment Protection Act 1986. इसके सिलेबस में आपको दिया गया है साइलेंट फीचर्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। So you have to discuss the silent features objectives and the silent features of this act, right? तो जैसे कि हम ऑलरेडी कुछ डिस्कस किया है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो या दूसरे लॉज हो, खासतौर पर हमारे पास जब से स्टॉकहोम यानी कॉन्फ्रेंसेस हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे, स्टॉकहोम यानी जो डिक्लेरेशन हुआ उसके अंदर जो है इंडिया वॉज द पार्टिसिपेटरी पार्टी यानी सिग्नेटरी पार्टी था। तो उस वजह से स्टॉकहोम के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स ऑन यानी जो ब्लूप्रिंट फॉर द एक्शंस वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया था, तो वो यहाँ हमारे हिंदुस्तान के लॉज के अंदर भी इसको जो है एज सच इन सच स्पिरिट यानी उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराने थे। तो दिस दैट इज़ वाई हमारे पास जो हमारे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया इसी के इसमें यानी स्टॉकहोम के जो कॉन्फ्रेंसेस हुए थे वहाँ पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो लॉस हमें चाहिए था वो लॉस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की यानी जो डिसीजंस है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमारे पास ये लॉ इंट्रोड्यूस कराया लेजिस्लेट कराया, दैट वॉज एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो दिस कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1972। तो इस एक्ट के तहत कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स है इस एक्ट का, दैट वॉज एनवायरमेंट 1986 की कुछ खास ऑब्जेक्टिव्स इस तरह से हैं। फर्स्ट, टू इम्प्लीमेंट the decisions taken at Stockholm conference second, इस लॉ के सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे पास ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग लॉज था रिगार्डिंग स्पेसिफिक एनवायरमेंटल इश्यूज, बट हमारे पास बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे एनवायरमेंट एरियाज थे जहां पर लॉ जो है एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ईपीए जो है वो एक एक्ट जनरल लॉ एक्ट एज एनेक्टेड एज ए जनरल लॉ ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन विच कवर द अनकवर्ड गैप्स as the existing laws has specific type of its scope। सो ये ला एक तो क्या है कि आपके जो स्टॉकहोम के अंदर जो डिसीजंस किया गया रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दे डिसीजंस वी हैव टू इम्प्लीमेंट इन आवर नेशन इन आवर कंट्री इन द सेम स्पिरिट, राइट?
पहला ऑब्जेक्टिव. सेकंड वाज टू एनेक्ट एज ए कवर, यानी एक जनरल लॉ जो है, एक जनरल लॉ की तरह ये काम करता था. और जो आपके अनप्रोटेक्टेड यानी जहाँ पर लॉस अभी एग्जिस्ट नहीं था, वो भी वो सारे जो जहाँ लॉस की ज़रूरत है, तो इस एक्ट के अंडर जो है इसको इंट्रोड्यूस कराया गया. तो इसको हम समटाइम्स अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाते हैं, अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो एग्जिस्टिंग लॉस है इसके ऊपर छात्र की मानन काम करते हैं. ठीक है. थर्ड इसकी ऑब्जेक्टिव रहा टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट दी एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेट दी एक्टिविटीज ऑफ दी रेगुलेटरी एजेंसीज regulatory officers, officers and authorities, authorities under this act, under this act or under any existing law. तीसरा ऑब्जेक्टिव ये रहा कि आपके पास जो आप अथॉरिटीज या ऑफिसर्स विल प्लेस टू परफॉर्म द फंक्शंस, उनकी एक्टिविटीज और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज है जो स्पेसिफिक लॉज को इम्प्लीमेंट करा रहा है, तो उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, ताकि एक ब्रॉड जो है यानी अप्रोच वहाँ पे हो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को डील करने के लिए. ठीक है. और फोर्थ इसकी ऑब्जेक्टिव है, फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड डेटरेंट पनिशमेंट, डेटरेंट पनिशमेंट punishment to those who contravene or do not comply with the direction orders under this act. तो जो लास्ट ऑब्जेक्टिव ये रहा कि इसके अंदर एक डेटरेंट पनिशमेंट जो है स्कोप रखा गया, ताकि वो जो इसके खिलाफ वर्जी करेगा लॉ को जो है, या उसके रिकॉर्डिंग उसके अंडर जो है जो डायरेक्शंस या ऑर्डर्स दिया जाएगा बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज, अगर वो फॉलो नहीं करते हैं या उस लॉ के खिलाफ वर्जी कर जाते हैं, तो यहाँ पर वेरी वेल डिफाइंड डेटरेंट पनिशमेंट फॉर दोस, राइट. सो दिस वर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट. ठीक है. हमारे पास चार इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का. एक ये कि आपके जो स्टॉकहोम के अंदर जो डिसीजंस लिया गया वो डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराना. ठीक है. सेकेंड यानी जो हमारे कुछ एरियाज़ के अंदर जहाँ कुछ ख़ास हैंडलिंग ऑफ हैज़र्डस सब्सटेंसेस है, या कोई एक्सीडेंटल एक्टिविटीज़ जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकते हैं, जहाँ कोई ख़ास वेल डिफाइंड लॉस ऑलरेडी एक्सिस्ट नहीं करता, तो उनके लिए यहाँ EPA के द्वारा एक नई लॉ इंट्रोड्यूस कराया. दूसरा ये एक एज ए जनरल लॉ, यानी सारी चीज़ों पर यानी ये लॉ जो है चलेगा, ये काम करेगा, इसलिए हम इसको अम्ब्रेला एक्ट भी कहा जाते हैं. थर्ड ये कि आपके जो ऑलरेडी कुछ इस एक्ट के द्वारा जो कुछ ऑफिसर्स या अथॉरिटी बनाया जाएगा, और दूसरा ऑलरेडी जो हमारे कुछ लॉस एक्सिस्ट कर रहा है उन लॉ के अंडर जो लॉस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए अथॉरिटीज़ है,
वो वहाँ पर इनके एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे। और फोर्थ इसके ऑब्जेक्टिव्स है कि एक डिटरेंट पनिशमेंट यहाँ पर दिया गया है फॉर दोज हु कंट्रावेंट द लॉ, यानी लॉ की खिलाफवर्जी करते हैं या उसके जो आपके उसके ऑर्डर्स या डायरेक्शन से अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ इस लॉ के अंडर जो है वेल डिफाइंड डिटरेंट पनिशमेंट जो है स्कोप रखा गया है। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके और कुछ इम्पोर्टेंट साइलेंट फीचर्स हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट इसके फीचर है कि एक तो जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स में बताया कि दिस लॉ विल कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ authority or authorities under this act or any other law, right? पहला इसका इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये कोऑर्डिनेट करेगा जो यानी ऑलरेडी जो अथॉरिटी या अथॉरिटी जो इस लॉ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए काम कर रहा है या दूसरे लॉज की इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहा है, एक्टिविटीज विल कोऑर्डिनेट बाय दिस लॉ, राइट। सेकंड इम्पोर्टेंट यानी फीचर इसका है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल and abatement of environmental pollution यानी आपकी environmental pollution को protect करने के लिए it will provide programs, यानी programs को जैसे awareness, क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या टू इम्प्लीमेंट द लॉस वी नीड इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड वेरियस इंस्टीट्यूशंस वी नीड वेरियस स्किल्ड फोर्सेस टू ऑल दैट पर्पस दिस अंडर दिस एक्ट द एक्ट विल प्लान एंड एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसके फ्यूचर है laying down standards for quality of environment. Third, laying down standards for the quality of environment in various aspects यानी जो आपके environment के अंदर कोई standards provide किया जाना कि हमारे जो एक environment safe human environment के लिए एक खास different parameters के अंदर एक standards दिया जाना भी इसका एक important feature है। Fourth, fourth one is laying down standard for
for emission and discharge of environmental pollutants. Environmental pollutants. Pollutants. यानी कोई भी pollutants, क्योंकि बहुत सारे various activities के द्वारा आपके air में बहुत सारे pollutants जो है release होते हैं, चाहे वो emission के द्वारा हो या discharge के द्वारा हो. तो there is a need of a standard कि how much, कहाँ तक ये जो है pollutant we can release. ठीक है, क्योंकि जैसे देखा गया है कि environmental pollutants की it is not only the composition but the concentration is also important parameter, कि इसके effect जो है वो, हालांकि composition एक important parameter है और इसका concentration जो है वो एक important parameter है. तो इसके लिए एक standards लिया दिया जाएगा under this act, right? And the fifth one is restriction of areas fifth one is the restriction of areas in which any industrial industrial activity shall carried out. यानी कोई भी इस तरह की जहां से it can pose a threat for environment, वो ऐसे activities और वो जो environment के लिए threat cause कर सकते हैं, the law can pose the restrictions according to the need. ठीक है, जरूरत के हिसाब से वहां पर रिस्ट्रिक्शन पोज कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज लैंग डाउन प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड. लैंग डाउन प्रोसीजर्स एंड सेफगार्ड फॉर हैंडलिंग ऑफ एनी हैज़र्डस सब्सटेंसेस. यानी ये कि आपके कोई भी हैज़र्डस सब्सटेंसेस, दैट हैज़र्डस सब्सटेंस हम उसे कहा जाते हैं दैट हैज़ अ पोटेंशियल टू कॉज डैमेज टू हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरा हो सकते हैं या हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकते हैं. तो वो सारे सब्सटेंस जिसके अंदर ये पोटेंशियल है वी कॉल एज हैज़र्डस सब्सटेंसेस. तो उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसीजर और सेफगार्ड जो है इस लॉ के द्वारा दिया गया है. इसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसके फ्यूचर है, you have the examining. Next one is examining examination of any manufacturing process technique equipments or substance that has potential to cause environmental
पोल्यूशन, राइट। तो कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या कोई ऐसी इक्विपमेंट या ऐसे कोई सब्सटेंस जहाँ पर बन रहा है, द अथॉरिटी हैज़ एन पावर टू एग्जामाइन, ठीक है, एग्जामाइन कर सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कि क्या ये इन्वायरमेंटल यानी प्रोटेक्शन के लिए सेफ है कि नहीं, वो चीज़ें यहाँ से एग्जामाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इज कैरिंग आउट एंड स्पॉन्सरिंग, नेक्स्ट कैरिंग आउट एंड स्पॉन्सरिंग investigation, carrying out and sponsoring investigation and research regarding the protection of environment, ठीक है, या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वगैरह के दौरा जो है कोई भी आपका रिसर्च की ज़रूरत है या इन्वेस्टिगेशन कहीं पे ज़रूरत है कि कहाँ क्या किस तरह से इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा जा रहा है, तो इसके लिए लॉ के द्वारा स्पॉन्सर या सपोर्ट कर सकते हैं ग्रुप्स को, इंडिविजुअल्स को यानी एक्सपर्ट्स को, ताकि हम इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से डील कर सकें, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज inspection of any premise equipment or any substance that has potential to cause damage to the environment, यानी कोई भी ऐसी जगह जहाँ से यानी इन्वायरमेंट पोल्यूशन के लिए चांसेस हो सकते हैं, तो किसी भी समय किसी भी जगह पे यानी अथॉरिटी जो है दे हैव अ पावर टू यानी इंस्पेक्शन यानी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट कर सकते हैं, बट विद ए प्रॉपर प्रोसीजर्स, राइट, प्रॉपर प्रोसीजर के द्वारा वहाँ इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं और वहाँ से सैंपल्स भी कलेक्शन कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेवेंथ फीचर इसमें है, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ लेबोरेटरीज With regard to environmental research and testing, right? तो आपके अथॉरिटी के द्वारा आप बहुत सारे जगहों पे आप लेबॉरेटरीज रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, ताकि वहाँ जो है जगह पे हम क्या कर सके यानी वो सैम्पलिंग्स कलेक्ट करके उसकी प्रॉपर टेस्टिंग कर सके, ताकि हम ये हमें फाइंड आउट हो कि वेदर देयर इज एनी हार्मफुल एक्टिविटी और हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट मे कॉज यानी डैमेज टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट और फीचर्स है लाइक
preparation of manuals. Preparation of manuals, course, etc. That provides information regarding the status of environmental protection. Status of environment protection, right? यानी आपके मैनुअल्स के द्वारा या कोर्स के द्वारा हम एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए वेरियस इंफॉर्मेशन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज टू कलेक्ट एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन. टू कलेक्ट एंड डिसमिनेट information regarding the protection of environment, right? यानी आपके द्वारा डाटाज बना प्रिपेयर किया जाएगा, इंफॉर्मेशन बनाया जाएगा कि कितने यानी pollutants अगर एयर में है कि कितने हाउ मच प्लूटेंट्स आर रिलीजिंग एंड हाउ मच ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन देयर और इसकी कितनी लाइफ टाइम है, क्या इसके इम्पैक्ट्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके डेसिमिनेट अमंग द पीपल वी कैन डू इट, राइट? एंड द नेक्स्ट वन इज यानी यहाँ पर से फॉर एग्जाम्पल इफ दिस गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट can direct to the authority regarding any other matters which may deem necessary to look after. यानी गवर्नमेंट को लगे कि कहीं दूसरे मैटर्स में कोई किसी तरह की कोई जरूर चीज़ों की जरूरत है या इन्वेस्टिगेशन या लुक आफ्टर की जरूरत है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ पावर टू गिव द डायरेक्शन टू दिस अथॉरिटीज एंड दे कैन carry out the particular functions, right? So these are some important features of EPA 1986. So EPA 1986 के द्वारा ये सारे जो है important powers जो है authorities को दिया गया है और accordingly we can have a good law. We can say that one of the broad law जो हमारे legislation के अंदर 1986 में exist हुआ. So that was Environment Protection Act 1986, right? So abhi hamare paas samay nahi hai. Next time. Thank you.